नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में हम लोग बढ़ रहे हैं राज्यों की तरफ। राज्यों से संबंधित कानूनों पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की यह एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट आप बोल सकते हैं, एक विशेष व्यवस्था है कि उसने केंद्र का कानून अलग दिया हुआ है और राज्य का कानून अलग दिया हुआ है, और दोनों का समावेश भारतीय संविधान में ही है। इस वजह से भारतीय संविधान थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, सबसे मुख्य कारण अगर अब कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के लंबे होने में सबसे मुख्य कारण क्या है, तो वहां लिख देना जो विकल्प में दिया होगा कि केंद्र और राज्य के कानूनों का एक साथ संविधान में दिया होना, यही हमारे जो है संविधान को सबसे बड़ा करने में अहम भूमिका निभाता है। तो उन्हीं पर आज परिचर्चा करनी है। बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा। अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले की, आपने करंट में देखा होगा कि जो अपने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनको क्या किया गया, मध्य प्रदेश के भी जो है राज्यपाल घोषित किया गया। अब वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल हैं। यह जो भारतीय संविधान में अनूठी विशेषता है, यह विशेषता जब मूल संविधान बना तब नहीं था, यह बाद में संविधान संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। दोनों राज्यों में जब वो राज्यपाल हैं तो वेतन की बात आती, वेतन जो है भैया दोनों राज्य आपस में साझा करते हैं, एक रेशियो में डिवाइड करते हैं कि इतना हम वेतन देंगे, इतना आप दे दीजिए, उस अनुसार जो है राज्यपाल का वेतन बटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो है वहां भी फुल राज्यपाल के जैसे वेतन पाए और यहां पर भी, उन दोनों राज्यों के बीच में वेतन को लेकर बंटवारा हो जाता। और सबसे अनूठी विशेषता यह है कि आपसे सवाल अगर ऐसा पूछे कि क्या कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष इस समय उत्तर प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल हैं वो उदाहरण के तौर पर हैं। ठीक है, तो दिमाग में याद रखिएगा। आज बढ़ते हैं अनुच्छेद 153 से आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, वहीं पर पूरी चीजें जो भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित दिया है उन सभी पर हम परिचर्चा करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं ये सभी वीडियो जो है आपको निःशुल्क रूप से 10+ कोर्स के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें आपको 10+ इस कोर्स के अंतर्गत जितने भी वीडियोज हैं इनके अगर आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो नोट्स प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 माह का आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है जो केवल 499 में है, मतलब बहुत ही नाम मात्र की सहयोग राशि है। 499 रुपीज आप पे करके 3 महीने के लिए सारी क्लासेज के नोट्स और क्विजेज को आप पा सकते हैं। यानी अपने आप में क्या है, बहुत ही नाम मात्र का शुल्क है, और 3 महीने तक हर एक लाभ जो है क्लासेस के तौर पर है जो हम लोग चलाएंगे, उन सभी क्लासेस की नोट्स आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आपको कुछ लोअर मेंस का भी बैच चल रहा है, तो लोअर मेंस में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इससे आपको लोअर मेंस, ईपीएफओ, यूपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस बीओ, इन सभी की टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, फुल कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम संविधान के बात करेंगे किस पर, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 को हमने पढ़ लिया है। भाग 6 की शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में, इनमें जो है राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। ठीक है, जो राज्यों की आपकी भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारें हैं उनका वर्णन भाग 6 में है, और आज इसी को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो केंद्र सरकार में, जैसे हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार में सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक, उसमें एक अंग अभी हमने नहीं पढ़ा है जो आपकी न्यायपालिका है, उसको इसके बाद पढ़ेंगे। यहां पर भी राज्य सरकारें जो हैं, राज्य सरकारों के भी आपके जो है यहां 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहली चीज होती है विधायिका। ठीक है, जहां पर सारे कानूनों का निर्माण होता और हर एक चीजें होती है, इसको लेजिस्लेटिव हम बोलते हैं। दूसरा जो इसमें होता है वह आपका होता है एग्जीक्यूटिव, यानी जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने केंद्र के स्तर पर आपको बताया था वही चीजें यहां पर भी मौजूद हैं, सेम।
और तीसरा जो इसमें आपका अंग होता है राज्य सरकार का, वह होता है क्या, न्यायपालिका। हर एक राज्यों में आपकी क्या बैठी हुई है, हाई कोर्ट बैठी हुई है, यह राज्यों की एक तरीके से न्यायपालिका है। तो राज्य सरकार के भी तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक एक करके हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, चूंकि सबसे बड़ा सरकार के इन अंगों में सबसे पहला आपका अंग जो होता है, मुख्य अंग होता है, वह होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका से शुरुआत करते हैं। कार्यपालिका में जो सबसे ऊपर स्थान आता है, जैसे केंद्रीय सरकार में सबसे ऊपर स्थान होता है राष्ट्रपति का, वैसे राज्य की सरकारों में, राज्य में सबसे ऊंचा जो है ऊपर स्थान जो होता है वह आपके राज्यपाल का होता है। तो आज की जो हमारी परिचर्चा होगी वह राज्यपाल पर संबंधित होगी, क्योंकि अन्य चीजों के बारे में हमने केंद्र सरकार पर ही वर्णन कर लिया था जब हम उसको पढ़ रहे थे। आज की परिचर्चा आपकी गवर्नर से संबंधित है, तो सारे लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इन सारी चीजों पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। राज्यपाल, ये राज्यपाल की अगर देखें इसकी संवैधानिक स्थिति देख लीजिए, तो यह राज्य में प्रथम नागरिक माना जाता है, राज्य का प्रथम नागरिक। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, वैसे राज्य में प्रथम नागरिक की संज्ञा राज्यपाल को दी जाती है। ठीक है, यह राष्ट्रपति का एक तरीके से प्रारूप आप वो समझ सकते हो कि राष्ट्रपति इसको ही नियुक्त करता है, यानी अगर राष्ट्रपति को राज्यों पर कंट्रोल करना है, राज्यों से संबंधित कोई भी गतिविधि है, वह सारी सूचनाएं इन्हीं राज्यपाल के जरिए यह जो है राष्ट्रपति पाता है। तो यह राष्ट्रपति का एक तरीके से दूत बोल सकते हो कि हर एक राज्यों में बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे हमारे उसमें देश के स्तर पर देखें तो विभिन्न देशों के राजदूत हमारे यहां होते हैं, ऐसे राष्ट्रपति के केंद्र के जो है दूत हर जगह पर होते हैं, उनको हम राज्यपाल बोलते हैं। हर एक राज्यों में होते हैं जो राष्ट्रपति को समय समय पर उस राज्य सरकार से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। ठीक है, यह राज्यों में आपके राष्ट्रपति के प्रतिरूप मान सकते हैं, उस अनुसार होते हैं। यहीं से राष्ट्रपति इन्हीं की जानकारियों पर बहुत सारे अहम फैसले भी लेता है। तो चलिए एक एक करके इन पर आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारियों के बारे में आपसे परिचर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा। राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है किसी भी राज्य का। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई, कार्यकारी प्रमुख हम बोल सकते हैं। ठीक, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, सीईओ बोल सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपके एक कंपनी में होता है, तो वो आपका होता है कौन, राज्यपाल। अगली चीज, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्य जो कार्यालय है इसकी दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, एक तो राज्य के लिए राज्यपाल होना, और दूसरी चीज इसमें मतलब एक तो वह क्या होता है, आपका प्रतिरूप वहां से होता है, दूसरी चीज उस राज्य के मुखिया के तौर पर होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा जिसकी परिचर्चा अभी मैंने की, कि जो आपके राज्यपाल है इस समय वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल बनाई गई। तो पहले क्या होता था, हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता था, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956, इसको याद रखिएगा, सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा जो है प्रावधान हमारे संविधान में है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपको मौजूद है। राज्यपाल की नियुक्ति को तो आप जानते हैं, हम लोग तो इसको चुनते नहीं है, यानी जनता नहीं चुनती है, ना आपका लेजिस्लेटिव चुनता है कि लेजिस्लेटिव चुन लो, इसको जो चुना जाता है वह सीधे सीधे किसके द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म से इसको प्रेसिडेंट क्या करता है, चुनाव होता है, उसी जैसे जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ऐसे इसका राज्यपाल का चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति जो करता है यह राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है कि आपको, ठीक है, इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। उम्मीद है आप संविधान के अंतर्गत अपने पद की गरिमा और कार्य को समझेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, संविधान ने राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता इस प्रकार निर्धारित की है। राज्यपाल से संबंधित अगर योग्यताओं की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमेशा एक चीज दिमाग में बनाए रखिएगा। सबसे पहली चीज मैंने बताया है आपसे पहले इससे भी कि नागरिकों को लेकर के जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनमें एक चीज तो है, जितने महत्वपूर्ण पद हैं उन पर केवल भारत के नागरिक ही आसीन हो सकते हैं, राज्यपाल भी उसमें आता है। इसलिए राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, सबसे जरूरी बात यह है।
और दूसरी चीज है वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य इसके पद की शर्तें होती हैं, वो क्या है, यदि वही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये सुविधाएं और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। अगर वह दो राज्यों का बन गया तो राष्ट्रपति तय करते कि अच्छा इसको वेतन और भत्ते दोनों राज्य आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में प्रदान करेंगे। उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना ही होगा। जब से उसे जो है उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया तब से उसको पद उस सदन से छोड़ना पड़ेगा, यह उसके लिए जरूरी होता है। अगली बात, बिना किसी किराए के उसे राजभवन कार्यालय उपलब्ध होता है, बढ़िया, ठीक है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसे धारण नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। शपथ क्या लेता है, राज्यपाल जो है पद की जो संबंधित शपथ होती है वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो उस राज्य का आपका हाई कोर्ट होगा उसका जो सीजीआई होगा वो उसको क्या करता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल को उसके पद की। दूसरी बात, संविधान और कानून की रक्षा करेंगे, ये अपने शपथ में लेता है। और स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में क्या करेगा, समर्पित करेगा, ऐसा राज्यपाल शपथ लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्य संचालन में वह वफादार रहेगा, यह भी शपथ लेता है। अब हम बात करते हैं पदावधि की, ठीक है। अगर पदावधि की बात करें तो सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यह सामान्य रूप से चीज है। लेकिन अगर बीच में क्या हुआ, यहां पर जो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो यह सब कुछ किस पर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, यह भी उसके हक में आता है। अगली चीज, राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है तब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ना करने लगे, वह पद न ग्रहण कर ले, तब तक क्या करेगा, वह पद पर बाकायदा बना रहेगा, अपना पद नहीं छोड़ेगा। भैया संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, नंबर वन पोजीशन आती है, तो वह ऐसा कैसे छोड़ सकता है, किसी राज्य को जो है बिना मुखिया के कैसे होने देगा, इसीलिए यह चीज उसके लिए जो है जरूरी की गई। शक्तियां व कार्य, जैसे मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको समझाया था कि राष्ट्रपति की भैया कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती है, वित्तीय शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती है, वैसे ही इसके भी आपकी शक्तियां होती हैं, जैसे राज्यपाल को वो राष्ट्रपति को लेकर है वैसे राज्यपाल की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक हो गई, वो चीज यहां पर उतना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर में बात करें तो इसकी जो आपकी कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, वह कौन कौन सी है, देखिए वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ठीक है, कुलाधिपति होगा, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति वह करेगा, स्वयं कुलाधिपति होता है और जो राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं उनकी वह नियुक्ति करता है। अगली चीज, उसके नाम से कोई भी कार्य प्रमाणिक होता है, जैसे राष्ट्रपति के नाम से सारे आपके समझौते और ये सब किए जाते हैं, ऐसे इसके नाम से होता है। वह आदेशों एवं संस्थागत मामलों में विशेष नियम बना सकता है, किसी भी आदेश को लेकर या संस्थागत मामले को लेकर के नियम बनाना राज्यपाल पर निर्भर करता है। अगली चीज, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, यह चीज दिमाग में बनाए रखिएगा, पूछा भी यह सवाल। वह राज्य के महाधियोक्ता को भी नियुक्त करता है, ठीक है, राज्य का महाधियोक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। दूसरी बात, उसका पारिश्रमिक यानी वेतन भत्ता जो है यह सब कुछ राज्यपाल ही तय करता है। अगली बात, वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक, मुख्यमंत्री से किसी की भी जानकारी वह मांग सकता है। साथ ही साथ वह राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे अपने यहां हो गया यूपीपीएससी हो गया, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक है, अभी लोक सेवा आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई, ठीक है, 2 सदस्य बचे थे और आपके 3 नहीं थे, तो 3 सदस्यों की अभी नियुक्त हो गई, बहुत जल्द की बात है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो किस कौन करता है, वो राज्यपाल आपका करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा उसे
अगर हटाने की बात करें, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्त कर दिया, तो यहां से सवाल आपका पूछा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह सवाल पूछा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं व अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता। तो पद से केवल आपका राष्ट्रपति हटाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पद से राष्ट्रपति ही हटा सकता है, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अगर पद से हटाने की बात आई तो वहां हमेशा याद रखिएगा कि वह राज्यपाल ही हटा सकता है। अगली बार यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया और मंत्री परिषद ने उस पर संज्ञान ना लिया, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर व्यवस्था मांग सकता है कि भैया इस मामले पर क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार के सभी कार्यों में औपचारिक रूप से राज्यपाल का नाम होता ही है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का औपचारिक रूप से नाम हर जगह पर होता था केंद्र सरकार के कार्यों में, ऐसे यहां पर होता है। विधायी शक्तियों की बात करें कि कानून से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां मालूम है विधि निर्माण से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने विधायिका में बताया था आपको, ठीक, कि जो केंद्र सरकार की विधायिका होती है, तो संसद में आपने देखा था कि संसद जो है इसका निर्माण राष्ट्रपति जरूरी होता है इसमें, ठीक है, संसद में प्रेसिडेंट एक अंग होता है, वैसे ही यहां पर अगर देखें प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ आपकी लोकसभा और जो राज्यसभा होती है, इससे मिलकर किसका निर्माण होता है, यह संसद का निर्माण होता है, ऐसे यहां पर भी आपकी सेम वही व्यवस्था है, ठीक है। अगर अपने यहां विधानमंडल की बात किया जाए, ठीक है, या सदन की बात किया जाए, अपने यहां ऐसा बोल सकते हैं विधायिका, ठीक, अपने यहां विधायिका की अगर बात किया जाए, राज्य विधायिका की, तो राज्य विधायिका में राज्यपाल इसका अंग होता है, ठीक है, राज्यपाल जो है इसका अंग के तौर पर है, और वही चीज जो इसके आपके जहां उच्च सदन निम्न सदन मौजूद है, मतलब राज्य के जो है विधान परिषद मौजूद है, विधानमंडल तो हर जगह है, लेकिन जहां विधान परिषद भी है वो भी अगर है तो वो भी इनका क्या होता है, अंग होता है, लेकिन उसमें कंपलसरी आपका राज्यपाल है, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे यहां राज्यपाल है, इस बात को याद रखिएगा। राज्य इसमें वह विधानसभा का जो है पूर्ण भाग होता है, राज्य विधानसभा का पूर्ण भाग होगा, इस कारण उसके पास निम्नलिखित विधायी जो है शक्तियां एवं कार्य होते हैं, ठीक, कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती है, देखिए राज्य विधानमंडल जैसे संसद के सदनों के द्वारा कोई जब बिल पास होता था तो वह कानून तभी बनता था जब उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करे। यहां पर क्या होता है, अगर जो आपके राज्य विधानमंडल है ये कोई भी आपका किसी विधेयक को पारित करते हैं तो वह राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक, राज्यपाल को भेजा जाएगा, और जब राज्यपाल के पास वह जाएगा तो राज्यपाल क्या कर सकता है, विधेयक को चाहे तो स्वीकार कर ले या स्वीकृत के लिए उसे रोक सकता है, या फिर क्या कर सकता है, या विधेयक को वह यदि धन संबंधी विधेयक नहीं है तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यह विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है, यह उसके जो है शक्ति के अंतर्गत है। अगली चीज, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है, जो कि राष्ट्रपति आपका करता है, वो पावर सेम आपके राज्यपाल को भी है, राष्ट्रपति में भी यही चीजें होती हैं। अगली चीज, वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है, ये उसके पास क्या होती है, पावर होती है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, किसमें, राज्य विधानसभा में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है, लेकिन उसमें सलाह लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वित्तीय शक्तियों को लेकर के क्या क्या प्रावधान है, तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहली चीज आती है भैया जो पंचायत है और नगर पालिका है, इनकी विस्तृत की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन कर सकता है और करता भी है, ठीक, राज्य वित्त आयोग, बिना उसकी सहमत के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अगली बात, वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमत के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता, जैसे धन विधेयक को लेकर के किसकी, राष्ट्रपति की सहमत जरूरी होती है, सेम वही आपको ये वित्त विधेयक को लेकर के राज्य में, राज्य विधानसभा में अगर प्रस्तुत करना है तो उसके पूर्व राज्यपाल की सहमत जरूरी है। न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं, न्याय को लेकर के, जैसे राष्ट्रपति को लेकर के मैंने पढ़ाया था कि क्षमाधान उसके पास होता है, मृत्युदंड को लेकर, लघुकरण को लेकर, तमाम तरीके की बहुत अलग अलग, वैसे इसमें इसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं
वह राज्यपाल से थोड़ी सी अलग है, यह पूछता भी है। देखिए, वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति से विचार कर सकता है वो। अगली चीज, राज्य विस्तार की कार्यकारी शक्तियों के तहत कानून से संबंधित किसी अपराध में सजा पाए व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता, ठीक। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला जजों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नत कर सकता है, ये तीनों काम उसके अधीन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना की इसमें किसमें कैसे कैसे होती है, चूंकि राष्ट्रपति मैंने बताया है आपको, राज्यपाल पर फोकस करते हैं, तो दोनों को एक साथ देखो। प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, या अलग अलग जो है संयुक्त बैठक हो, या अलग अलग अगर पारित कराना है दोनों सदनों में जाना है, से पारित होकर इन दोनों के पास आता है, ठीक है। और इस मामले में राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला क्या होता है, वह विधेयक को स्वीकृति दे दे, या विधेयक को जब वह स्वीकृति दे देगा तो वह विधेयक किसमें, बिल जो है लॉ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक, कानून बन जाएगा। दूसरा वो क्या कर सकता है राष्ट्रपति आपका, विधेयक को स्वीकृत रोक सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक जो है पारित नहीं हो पाएगा और अधिनियम बनने से रुक जाएगा। तीसरी स्थिति में वह सदन को पुनः विचार के लिए भेज सकता है वापस, यदि विधेयक दोबारा यानी परिवर्तित या अपरिवर्तित होकर उसके पास आ गया तो उसे अपनी सहमत देनी पड़ती है, यह राष्ट्रपति के लिए मजबूरी हो जाती है। अब यह साधारण विधेयक को लेकर के था, राष्ट्रपति को लेकर। राज्यपाल को समझिए, अगर कोई साधारण विधेयक है तो विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों सदनों द्वारा पारित है तो इसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, सेम प्रोसीजर है जैसे राष्ट्रपति को। इस मामले में राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प है, राज्यपाल के पास चार विकल्प है। कौन कौन से, देखो समझो, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है राज्यपाल, इसके साथ ही विधेयक अधिनियम बन जाएगा, अगर उसने हस्ताक्षर कर दिया तो वह जो बिल है वह लॉ में हो जाएगा। अगली चीज, वह विधेयक को स्वीकृत रोक सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में विधेयक पारित नहीं हो पाएगा और अधिनियम नहीं बनेगा। अगली चीज, वह विधेयक को सदन के विचारार्थ जो है भेज सकता है, यदि विधेयक दोबारा आ गया, ठीक है, उसके पास जैसे राष्ट्रपति के पास, तब उसको भी क्या करना पड़ता है, पारित ही करना पड़ता है भैया, हस्ताक्षर देना ही पड़ेगा। और चौथा जो इसका पास विकल्प होता है भैया, वो ये है, क्या वो ये आपकी पावर होती है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, यही उसके पास चौथा कदम हो जाता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए उसको स्वीकृत के लिए सुरक्षित रख ले, तो ऐसा करने के बाद उस विधेयक में राज्यपाल की भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब सारी चीजें कौन हैंडल करेगा, अब वह स्वीकृत उस पर देना या ना देना सब कुछ राष्ट्रपति पर निर्भर है, जब वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोकता है तब। अब आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक के संबंध में दोनों की पावर को हम अगर कंपेयर करें, राष्ट्रपति को लेकर के और राज्यपाल को लेकर के, तो देखिए इस संबंध में संसद द्वारा पारित जो वित्त विधेयक होगा, इसको जब राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता तो उसके पास दो विकल्प होते राष्ट्रपति के पास, क्या, एक तो भैया आप क्या करें, स्वीकृत प्रदान करें ताकि वह अधिनियम बन सके, दूसरी चीज यदि वह स्वीकृत ना दे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक, और अधिनियम नहीं बन पाएगा वो विधेयक, धन विधेयक में याद रखना, वो समाप्त हो जाएगा अगर स्वीकृत नहीं दिया, ठीक है। हालांकि इसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है, क्यों, क्योंकि भैया धन विधेयक आपसे पहले पूछा हमने तब तो सदन में पेश किया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल यही उसके पास रह जाता है, दोनों शक्तियां, लेकिन धन विधेयक सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जरूरी होती है। अगली चीज है, धन विधेयक के बारे में राज्यपाल की वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति के पास तो दो शक्ति हमें देखने को मिली, राज्यपाल के पास भैया तीन विकल्प होते हैं धन विधेयक को लेकर के। देखिए, वह विधेयक को स्वीकृत प्रदान करता है ताकि अधिनियम बन जाए, पहला तो उसके पास यह पावर है, दूसरी पावर उसके पास क्या है, यदि वह स्वीकृत ना दे तो विधेयक समाप्त हो जाता और अधिनियम नहीं बन पाएगा, ठीक है, अगर स्वीकृत नहीं दिया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। तीसरा होता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेता और राज्य विधानमंडल को वापस नहीं कर सकता, ठीक, राष्ट्रपति के लिए रख लेगा तो जाहिर सी बात है अब उसके पास तीन पावर यहां से एक बढ़ गई। अब बात करते हैं क्षमादान के मामले को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां से सवाल पूछता है। देखिए,
क्षमादान को लेकर के प्रेसिडेंट को देखें तो वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा दंड का निलंबन या सजा को कम करने की पावर रखता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, वह मौत की सजा को क्षमा कम या स्थगित कर सकता है या मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है और यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है या राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल मौत की सजा को कभी भी आपका उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरी बात जो अधिकार है, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य अदालत के तहत अगर कोई सजा पा गया है तो राज्यपाल वो जो प्रेसिडेंट है वो उसको माफ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगली चीज अब बात करते हैं क्षमादान के मामले में राज्यपाल की शक्ति। भैया राज्यपाल क्या कर सकता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त है तो उसकी सजा को यह माफ कर सकता, कम कर सकता और स्थगित कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा, यह सवाल पूछा है, लेकिन वह मौत की सजा को स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है, रोक सकता है, लेकिन वह माफ नहीं कर सकता। यह पावर सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। अगली बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की तुलना कर ले। राष्ट्रपति जब संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, ठीक है। दूसरी बात, राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पुनर्नियुक्त करता है, ठीक, जबकि हाईकोर्ट के लिए प्रेसिडेंट करता है, ये जिलाओं के लिए करता है जितने जिला लेवल पर आपके न्यायालय है उनके लिए। राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसी सारे अंतर किसके लिए हैं? इन दोनों के बीच में अब कंपेरिजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें कैसे कैसे इनमें कार्य होती है। तो ये इतना टॉपिक था, बाकी इनसे संबंधित आपकी जो अन्य चीजें हैं जैसे अनुच्छेद वगैरह हो गए तो वो सारी चीजें आपकी नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, कंपेरिजन कैसे कैसे सीखना है, उन सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। कल हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।